हेलो एवरीवन, दिस इज गीतू फ्रॉम गीगल्स क्लिनिक एंड माय ओन स्पेस। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिनको आप फॉलो करके अपने बच्चों की स्टडीज को और अच्छे से इंटरेस्टेड बना सकते हैं और उनमें स्टडीज को लेके इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। एज अ पेरेंट, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब भी आप बच्चे को कुछ पढ़ाने लगते हैं या कुछ टास्क देते हैं तो आप भी बच्चे के पास बैठेंगे। अदरवाइज ज्यादा लीनियंसी देने से ये होता है कि जो भी टास्क बच्चे को दिया जाता है वो बहुत फ्री होके करता है, ठीक किया तो ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग हो गया। तो जब भी आप कोई एक्टिविटी करवाते हैं तो हमेशा बच्चे के साथ खड़े रहिए ताकि बच्चे को ये हो कि मैंने ये काम 100% करेक्ट करके देना है। और साथ में ये होता है कि जब कोई बच्चे से गलती होती है तो आप साथ ही साथ उसे समझा सकते हैं, उसके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जब भी आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करिए कि जिसमें सिर्फ बच्चे को स्टडीज करने की ही वाइब्स मिले। यानी कि ये नहीं है कि आप बैठ के फोन पे बात कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे हैं या कुछ गेम वगैरह खेल रहे हैं और बच्चा बैठ के काम कर रहा है। ऐसे बच्चा काम नहीं करता, ये डिस्ट्रैक्शन की वजह से ही बच्चे का लेवल जो है वो डाउन होता है। सो जब भी आप अपने बच्चे के साथ उसे पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो हमेशा अपने फोन या कुछ भी ऐसा डिस्ट्रैक्ट जिससे बच्चा होता है वो अपने पास ना रखें ताकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो और उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जिसमें बच्चे को सिर्फ ये होता है कि मुझे एक स्टडी करनी है। अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ योर चाइल्ड ही आप अपने बच्चे को उसी एज के अकॉर्डिंग इन्वॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा अभी छोटा है तो आप उसे एकदम से 2 आवर्स की स्टडी पीरियड में आप नहीं उसे इन्वॉल्व कर पाएंगे। आप छोटा बच्चा है तो उसे हाफ एन आवर के लिए कोई एक्टिविटी दीजिए, फिर 5 to 10 मिनट्स का उसे ब्रेक दीजिए, देन उसके बाद आप दोबारा हाफ एन आवर कोई एक्टिविटी करवाइए और देन 5 to 10 मिनट्स उसे ब्रेक दीजिए। इससे ये होता है कि 5 to 10 मिनट्स में बच्चे को रिलैक्स हो जाता है और वो दोबारा से काम करने के लिए उसकी जो बॉडी है, उसका जो माइंड है, वो फिर से प्रिपेयर हो जाता है। सो इस तरह से आप करवाएंगे तो बच्चे को भी एक बोझ सा फील नहीं होगा और वो इजीली स्टडी कर पाएगा। ये एकेडमिक पार्ट के लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी एक्टिविटी, वो चाहे फिजिकल की हो, फाइन की हो, किसी भी एक्टिविटी में बच्चे की इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। हर पेरेंट को पता होता है कि उसके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है। सो ऑलवेज जब भी आप बच्चे को कोई भी टास्क कराने वाले हो, वो चाहे एकेडमिक पार्ट हो या फिर फिजिकल, फाइन, कुछ भी एक्टिविटी आप लेने वाले हो, आप कीप इन माइंड कि जब भी आप उसे एक्टिविटी या कोई भी टास्क कराएंगे तो ऑलवेज बच्चे का स्टाइल जो है वो फॉलो करेंगे। क्योंकि बच्चे का स्टाइल फॉलो करने से ये होता है कि बच्चा इजीली पिक कर लेता है कि उसे करना क्या है। मान लीजिए कुछ आपने नया कॉन्सेप्ट लिया, आप पोजीशन करवाने वाले हैं बच्चे को, और बच्चा जो है डायरेक्ट पेपर पेंसिल पे ना समझ के किसी एक्टिविटी के थ्रू समझता है, तो आप मान लीजिए ओन का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो एक पेन लेके आप बच्चे को कह सकते हैं पुट द पेन ऑन द टेबल, पुट द पेंसिल ऑन द बुक। इस तरह से आप बच्चे को एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल देके करवाएंगे तो बच्चा इजीली पिक कर पाएगा। तो ऑलवेज फॉलो योर किड्स स्टाइल। जब भी बच्चों में स्टडीज को लेके इंटरेस्ट डेवलप करना होता है तो जो भी आप कंसेप्ट बच्चे को समझाने वाले होते हैं पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए। इससे ये होता है कि बच्चे को जब इन शॉर्ट में बता देते हैं कि उसे ये करना है तो बच्चा इजीली समझ जाता है और उसे करना बहुत इजी लगता है, क्योंकि उसे पता है ये बहुत शॉर्ट सा है और ये टेक्निक यूज करनी है और मुझे अपना आंसर इस तरह से लाके दे देना है। सो इस तरह से जब आप उसे थोरली जब समझाते हैं तो बच्चे को भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट आप हम बात करें कि जब भी आप बच्चे के साथ बैठे हो तो उसे भी आप एक, हम कह सकते हैं कि चांस दीजिए कि बोलने का।
इससे ये होता है कि बच्चा भी जब बोलता है और आप उसे जब अप्रिशिएट करते हो कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और जब आप अपने बच्चे में ये देखते हैं कि उन्हें कई कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें करेक्शन चाहिए होती है, और जब आप उन्हें करेक्ट करते हो तब भी उन्हें ये एक काइंड फीलिंग आने लगती है कि जो पेरेंट है वो उन्हें सही करके एक अच्छे से समझा रहे हैं, और बच्चा नेक्स्ट टाइम से आपको अपनी हर बात खुद ही बताने लग जाता है, और हर बात जो है वो स्टडीज से रिलेटेड होती है उसमें वो आके जो अपना जो डाउट होता है वो क्लियर करने लग जाता है। जब भी बच्चों में स्टडीज को लेके इंटरेस्ट डेवलप करना हो तो ऑलवेज बी केयरफुल कि आप उन्हें पढ़ा कैसे रहे हैं, आपकी टेक्निक क्या है, क्योंकि जब बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी हम बात करें फिजिकल या फाइन की उनमें जब वीक होता है तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं पेरेंट भी होते हैं, क्योंकि उनकी टेक्निक से बच्चा सीखता है। सो आपको ये माइंड में रखना है कि क्या कहीं आपकी टेक्निक तो गलत नहीं है जो बच्चा नहीं कर पाया। जब आपको लगे कि आपकी टेक्निक नहीं गलत और आपने जिस तरह से समझाया था बच्चे को वो ठीक था लेकिन बच्चा कैच नहीं कर पाया, तो आप कोशिश करिए कि अपनी टेक्निक चेंज करके देखिए, या फिर जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपने जो बच्चा है उसका स्टाइल फॉलो करो कि वो कैसे सीखता है। सो इससे ये होगा कि बच्चा जल्दी कैच करेगा और उसका इंटरेस्ट उस एक्टिविटी को करने में अच्छे से डेवलप होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा किसी और एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक में भी अच्छा होता है। सो कभी भी उसे किसी भी एक्टिविटी, फिर वो चाहे वो डांस होती है, जिमनास्टिक, जिम, स्विमिंग, वो किसी भी एक्टिविटी में अचीवमेंट लेता है तो उसकी उस अचीवमेंट को भी आप एक्नॉलेज करिए, उसे इतना ज़्यादा चेयर अप करिए या मोटिवेट करें कि वो अपनी और अदर एक्टिविटीज में और साथ में अपने एकेडमिक पार्ट में भी ज़्यादा मोटिवेट होकर पढ़ सके, अच्छे से अपना फोकस जो है वो उसमें लगाए। आप इस तरह से ना करके कि ये तो एकेडमिक का पार्ट ही नहीं है सो चेयर करना बेकार है, इस तरह से आप ना करें। जितना ज़्यादा हो सके हर उसकी छोटी छोटी, इवन वो घर पे भी कोई ऐसा काम करते हैं जो बहुत ही चेयर करने वाला है सो वो भी लेके कि वाओ आपने ये कितना अच्छा किया है, क्लैप कर दीजिए, वाओ कर दीजिए, या किसी के सामने उसे अच्छे से उसे बताएं कि देखो आज कितना अच्छा काम किया, इस तरह से मोटिवेट करेंगे तो वो चेयर होके अपने हर एक्टिविटी में उतना ही अच्छा 100% अपना जो कंसंट्रेशन है वो देगा। आप अपने बच्चे को एक शेड्यूल दीजिए जिसमें वो इस तरह से मैनिपुलेट हो कि उसे इस टाइम पीरियड पे पढ़ना है, इस टाइम पे उसे खेलना है, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ उतना ही जरूरी फिजिकल स्ट्रांग होना भी जरूरी। सो आप अपने बच्चे को एक टाइम के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा आप जल्दी उसे बांधेंगे उतना ही ज़्यादा वो अपनी स्टडीज और अपने फिजिकल को लेके अवेयर होगा कि उसे इस टाइम पे खेलना है और उसे उस टाइम पे पढ़ना है। जितना टाइम के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा आप बांधेंगे उतना वो अपने वर्क को लेके और अपने स्टडीज गेम्स को लेके उतना ही सिंसियर होगा। जब भी आप बच्चे के साथ बैठकर उसे पढ़ा रहे होते हैं तो कई बार ऐसे होते हैं कि बच्चों में काफ़ी मिस्टेक निकल आती है, सो इस वजह से पेरेंट बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है। प्लीज़ आप ऐसे ना करके आप बच्चे की वो पॉइंट्स देखिए और उन्हें एक नोट करिए अपने माइंड में कि बच्चा कहाँ कहाँ पे गलती करता है। कभी तो ये होता है कि बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं, आप उसी टाइम बच्चे को समझाते हैं और बच्चे का डाउट क्लियर हो जाता है और वो नेक्स्ट टाइम से इस तरह से नहीं करता। फिर भी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं वो जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं, तो उनमें आप एकदम से बच्चे पे शाउट ना करके उन्हें रेगुलर बेसिस पे पढ़ाएंगे और उन्हें समझाते रहेंगे तो बच्चे के माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है कि उसे करना क्या है। सो इससे ये होता है ऑन द स्पॉट तो ऐसा नहीं होगा कि बच्चे की मिस्टेक नहीं निकलेगी, लेकिन धीरे धीरे ये होगा कि जो मिस्टेक है वो कम होती जाएंगी और एक ऐसे टाइम पे
वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगी और बच्चे को समझ आ जाएगा कि उसे करना क्या है। बच्चों में स्टडीज को लेके इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जो सबसे जरूरी टेक्निक है दैट इज रीडिंग। रीडिंग बहुत ही मस्ट है क्योंकि इससे बच्चे को पता चल जाता है कि उसे इस वर्ड का मतलब क्या है और ये वर्ड लिखा क्या है, और उसे ऑटोमेटिकली पिक हो जाता है कि उसका मतलब उसे अब करना क्या है। सो जब भी आप कोई कंसेप्ट बच्चे को लेते हैं वो रीडिंग जरूर बच्चे से करवाएं। एकदम से रीडिंग नहीं डेवलप होगी बच्चों में, धीरे धीरे डेवलप होती है। सो जब भी आप रीडिंग कराएंगे उससे ऑटोमेटिकली बच्चा इंटरेस्ट दिखाने लग जाता है क्योंकि आप वो रीडिंग कराने से बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देते हैं। सो जितना हो सके आप बच्चे को रीडिंग कराइए। आई होप कि जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आप उन्हें डेफिनेटली अपने बच्चों पे अप्लाई करके उनमें स्टडीज को लेके इंटरेस्ट डेवलप करवाएंगे। थैंक यू।